नमस्कार दोस्तों। तो मैंने कई बार बताया, जब जब रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक से दूर भागेंगे तब तक स्टॉक की किस्मत खुलेगी। और यही हुआ, देखिए पिछले महीने में क्या हुआ था, 420-30 जाके एक बार 380 के अराउंड आया, 380-385 पे। तब क्या करा, सब रिटेल इन्वेस्टर भागे, पर म्यूचुअल फंड ने करीबन 600 करोड़ का माल उठाया उस टाइम पे। मिनिमम 600 करोड़ बोल रहा हूँ मैं, 600 करोड़ का माल उठाया। तो रिटेल इन्वेस्टर को निकलने दीजिए, जितने रिटेल इन्वेस्टर निकलेंगे कोई बात नहीं, ऐसा होगा कि रिटेल इन्वेस्टर कम होंगे, मेरी वीडियोज पे व्यूज़ कम होंगे, बट फ़ायदा जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ उनका होगा। अगर हम सिर्फ कोटक की बात करें, कोटक ने अकेले 56 लाख शेयर उठाए पिछले महीने के अंदर, मार्च के अंदर का डेटा आया है जिसका। 56 लाख मतलब 200 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट तो कोटक ने अकेले करी है, कोटक के इक्विटी फंड ने। एक्सिस ने माल उठाया है करीबन, आप मान के चलिए 100 करोड़ से ऊपर का एक्सिस ने माल उठाया है, आपका SBI ने माल उठाया है, आपने 10 लाख से ज़्यादा शेयर उठाए हैं। तो देखिए 1.5 करोड़ का डेटा अभी तक आ चुका है, अभी कंप्लीट डेटा नहीं आया, म्यूचुअल फंड ने कितनी खरीदारी की है, बट अभी तक के डेटा के हिसाब से 1.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर उठाए थे म्यूचुअल फंड ने। और ये डेटा 2 करोड़ तक भी जा सकता है ऑब्वियसली, पर ये ध्यान रखिए, ये एक साइन होता है हमेशा, रिटेल इन्वेस्टर जहां कम होते हैं वहां माल उठाया जाता है म्यूचुअल फंड रेफरेंस के द्वारा। देखिए कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन या पर स्टॉक में रॉकेट बनने जैसे सारे के सारे गुण है इस टाइम पे भी, ध्यान रखिएगा। 437 पे महंगा नहीं लगता है, पर आप जरूर सोचिएगा इस स्टॉक के बारे में, स्टडी कीजिएगा।